एक समय की बात है, अपनी विशिष्टताओं के लिए मशहूर एक अनोखे छोटे शहर में बनाना ब्लेक नाम का एक युवक रहता था। बनाना ब्लेक आपका औसत फल विक्रेता नहीं था, उनकी एक दुकान थी जो पूरी तरह से सभी आकारों और आकारों में केले बेचने के लिए समर्पित थी। और कुछ ही सड़क पर एक समान रूप से असामान्य दुकान में मैंगो मॉली नाम की एक लड़की रहती थी जो सबसे रसीले आम बेचती थी जिसका स्वाद शायद ही कोई ले सकता था। अब बनाना ब्लेक और मैंगो मॉली के बीच एक विशेष प्रकार का प्यार पनप रहा था जो उनके द्वारा बेचे जाने वाले फलों जितना मीठा था। फिर भी इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ था। मॉली की सौतेली माँ जनरल टोवा एक रहस्यमय भूमिगत सुरंग में काम करती थी और वह पारंपरिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखती थी और प्रेम विवाह पर आपत्ति जताती थी। एक धूप भरी दोपहर बनाना ब्लेक और मैंगो मॉली ने शहर में बाइक की सवारी पर जाने का फैसला किया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी प्रेम कहानी एक बेहद अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली है। वे मॉली के घर वापस पहुँचे, उनके गाल हवा से लाल हो रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। जैसे ही वे एक त्वरित चुंबन के लिए झुके, उन्हें पता ही नहीं चला कि टनल टोवा पर्दे के पीछे छिपी हुई थी, उसकी निराशाजनक निगाहें जोड़े पर टिकी थी। मॉली की माँ अपनी भावनाओं को छिपाने वालों में से नहीं थी, इसलिए वह भौहें सिकुड़ते हुए सामने के दरवाजे की ओर भागी और दरवाजा खोल दिया। आप इस आदमी के साथ क्या कर रहे हैं, उसने मान की। मॉली और ब्लेक चौड़ी आंखें और अब थोड़ा घबराए हुए ने एक दूसरे पर नजर डाली। उन्होंने अंदर कदम रखा और घर का माहौल अचानक गर्म दिन में केले के छिलके जैसा तनावपूर्ण महसूस हुआ। मॉली के पिता सुविधाजनक रूप से अनुपस्थित थे, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम विवाह के खिलाफ मजबूत राय रखता था। स्थिति कुछ हास्यपूर्ण अराजकता के लिए तैयार थी। अंदर जाने के बाद वे सभी खाने की मेज पर बैठे, उनकी कुर्सियां असुविधाजनक रूप से बंद थी। मॉली और ब्लेक ने फुसफुसाहटों का आदान प्रदान किया और मॉली की अस्वीकार्य मां को जीतने की योजना तैयार की। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, ब्लेक को एहसास हुआ कि प्रकृति सबसे असुविधाजनक समय पर बुलाती है और उन्होंने विनम्रता से बाथरूम के स्थान के बारे में पूछताछ की। टनल टोवा ने चिरकर उसे सही दिशा की ओर इशारा किया। जब ब्लेक दूर था, मॉली की माँ ने मौका देखा। वह मेज से उठी और मॉली को रसोई में अपने साथ चलने का इशारा किया। एक बार जब वे अकेले थे तो वह झुकी और फुसफुसाई, मॉली तुम्हारे पिता इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मॉली ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसकी माँ की जिद पके हुए केले की तरह जिद्दी थी। वह ब्लेक के प्रति अपने प्यार को छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन वह अपनी सौतेली माँ को भी निराश नहीं करना चाहती थी। दिल से दिल मिलाने के बाद मॉली और उसकी माँ खाने की मेज पर लौट आईं, जहाँ उन्होंने ब्लेक को धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए पाया। मॉली की सौतेली माँ ने अपना सर्वश्रेष्ठ पोकर चेहरा दिखाया लेकिन मॉली को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। बर्फ तोड़ने की कोशिश में मॉली ने दोपहर का भोजन परोसने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने भोजन करना शुरू किया, कमरे में हंसी गूंज उठी क्योंकि उन्होंने अपनी बाइक की सवारी के दौरान साझा किए गए मूर्खतापूर्ण क्षणों को याद किया। लेकिन फिर त्रुटियों की एक कॉमेडी में मॉली की माँ, जो हमेशा से कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी, ने फर्श पर कुछ गिराने का नाटक किया। बिना कुछ सोचे समझे वो उसे वापस लेने के लिए टेबल के नीचे चली गई, जिससे मॉली और ब्लेक हतप्रभ रह गए। जैसे ही टनल टोवा ने टेबल के नीचे अपनी हरकतें जारी रखी, उसने सूक्ष्मता से ब्लेक को संकेत भेजने की कोशिश की। ये दर्शाता है कि वह पूरी तरह से उनके प्यार के खिलाफ नहीं थी। ब्लेक, जो न हंसने की पूरी कोशिश कर रहा था, स्थिति को ठीक से समझ नहीं सका। उसने सोचा कि यह सब मॉली की माँ के विलक्षण व्यक्तित्व का हिस्सा था। अंत में टनल टोवा एक शरारती मुस्कान के साथ मेज के नीचे से निकली।
पूरा दृश्य इतना विचित्र और अप्रत्याशित था कि मौली को भी अपनी हंसी रोकनी पड़ी। टनल तोवा की हरकतों की वजह से कमरे में तनाव एक हल्की फुल्की कॉमेडी में बदल गया था। मौली की सौतेली माँ अपनी बेटी की आंखों में हंसी देखकर जोड़े के प्यार को स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही भोजन खत्म हुआ, उन सभी ने कहानियां साझा की, हंसे और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। ये स्पष्ट था कि प्यार वास्तव में अपनी अपनी दुकानों में बिकने वाले फलों जितना मीठा और आनंददायक हो सकता है। बनाना ब्लेक और मैंगो मौली की कहानी उनके अजीबोगरीब शहर में एक किंवदंती बन गई। प्यार की एक कहानी जिसे सबसे अपरंपरागत परिस्थितियां भी अलग नहीं रख सकी। और टनल तोवा, ठीक है, उसने एक बाधा के रूप में शुरुआत की होगी, लेकिन वह गुप्त घटक बन गई जिसने उनकी प्रेम कहानी को और भी खास बना दिया। अंत में प्यार की जीत हुई और उस दिन खाने की मेज पर सामने आई गलतियों की कॉमेडी बनाना ब्लेक, मैंगो मौली और यहाँ तक कि टनल तोवा के लिए एक यादगार स्मृति बन गई। और विषमताओं से भरे शहर में उनका प्यार सबसे असाधारण था और इसलिए बनाना ब्लेक और मैंगो मौली की प्रेम कहानी जारी रही, हंसी, आश्चर्य और ढेर सारे स्वादिष्ट फलों से भरी। क्या ये बातचीत अब तक मददगार रही है? सब्सक्राइब टू क्लैप बाइडन, लाइक, शेयर, कमेंट। फॉर मोर फनी कमेंट्स लाइक दिस, थैंक्स फ्रॉम क्लैप बाइडन, क्लैप बिडन, क्लैप बिडन, क्लैप बिडन, थैंक्स।